भाई हम आए हैं कर्नाटक घूमने। कर्नाटक में जगह है बैट बंगला, ठीक है, बैट बंगला। अब देखो बैट बंगला का व्यू, देखो है व्यू भाई साहब। ये जनवरी का महीना है, देखो यहाँ सर्दी, देखो कौन सर्दी, क्या हो सर्दी, देखो है कोई सर्दी यहाँ, ठंड वंड कुछ नहीं भाई, यहाँ तो आराम से शर्ट में घूम रहे लोग। ये हमारे ऊपर होटल के ऊपर से व्यू है, एक नंबर का व्यू भाई, एक नंबर का व्यू जिसे कहते हैं ना। और देखो कितनी जगह खाली, नारियल के पेड़, नारियल के पेड़, देखो एक चीज नारियल के पेड़ दिखाते हैं, देखो लाइन से ये लग रहे हैं। और देखो वो देखो पीछे सब नारियल के पेड़ हैं, ये देखो सामने भी, यहाँ हरियाली इतनी है, नारियल का पेड़, नारियल के पेड़, इतनी हरियाली, इतनी हरियाली है भाई। आखन कहते ना, अगर कहीं जन्नत है, जम्मू कश्मीर में जन्नत बताते हैं बर्फ़ को लेके, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ अगर ग्रीनरी की कोई जन्नत है ना तो भाई वो ये है। देख लो कभी यहाँ कर्नाटक आना हो ना, कर्नाटक से आपका 100 किलोमीटर पड़ेगा, मतलब सॉरी बेंगलोर के मेट वो जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वहाँ से आपको आना है अंदर बैत बंगला। बैत बंगला यहाँ आपका क्या बोलते हैं उसके, एटलिंगेश्वर, ठीक है, वो भी हैं मंदिर है, बहुत मंदिर हैं यहाँ पर। भोलेनाथ जी का 108 फीट ऊपर मतलब ऊँचे वो है शिवलिंग, वो यहाँ पर है, कोटिलिंगेश्वर बोलते हैं उसे, और एटलिंगेश्वर भी बोल देते हैं कुछ लोग। इतना बढ़िया अब मौसम देखो ना यार तुम, देखो, और हम ऐसे ही घूम रहे थे, शर्ट में घूम रहे हैं हम भी, देख लो। और दिखाऊँ, ये देखो ना, देखो भाई देखो घूम रहे शर्ट में, ये देखो सर्दी नाम की चीज़ नहीं। और भाई इतनी दिल, मतलब यहाँ लग, पता है भाई क्या है, यहाँ है हर घर में नारियल का पेड़, हर घर में नारियल का पेड़ है। ये हमारे होटल के टेरेस पे आए हुए हैं घूमने, ठीक है, और व्यू दिखाता हूँ तुम जरा। अच्छा एक बात और देखी मैंने भाई, सब जितने भी लोग हैं ना सोलर का गीजर, गीजर जो होते हैं वो सोलर के यूज़ करते हैं, ये हैं सोलर के गीजर, इन्हें इस्तेमाल कर रहे थे नारियल के पेड़। देखो मैं कह रहा हूँ थोक के भाव में भाई नारियल के पेड़, तो सारे नारियल के पेड़, नारियल के पेड़। ये हमारे होटल के पीछे का भी है, ये मतलब होटल की प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे भी देखो ये सब नारियल के पेड़ लगा रहे हैं, ये खेती करते हैं यार ज़्यादा नारियल के पेड़ की। ये एक और मतलब हमारे होटल की प्रॉपर्टी वो बन रही है, ये मतलब यार बार है, जैसे अगर बार बार किसी को बार में जाने का शौक हो, समझ रहे हो ना, ड्रिंक व्रिंक उन सब के लिए है। देख लो देखना यार, मैं कह रहा हूँ यहाँ रह जाओ तो आदमी बीमार नहीं पड़ सकता। ओ दादा, ओहो यार ये क्या हो रहा है, हाँ ये देखो भाई वाकई में यहाँ यहाँ पर जरूर आओ, पैसा वसूल है। देखना घर क्या झोपड़ी का घर बना रखा है, चलो भाई आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है, चलो।